अयोध्या में दबंगों का कहर, एक परिवार को दबंगों ने पीटकर किया अधमरा। इंसाफ की आस में भटक रहा परिवार, आखिर कौन बचाएगा इस परिवार की जान। हाथों में कागज लेकर फरियाद करते इन दोनों पर दबंगों का कहर टूटा है। ये मियां बीवी अपने घर में आराम से बैठे थे कि अचानक गांव के ही दबंग इनके घर में घुस गए और इन्हें जमकर पीटा। ये दोनों हालात के मारे खुद को छोड़ देने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन दबंगों के दिल में जरा भी रहम नहीं आया और वो इन्हें पीटते रहे। 4 बजे शाम को 5 लोग मेरे घर में घुसे और घुसकर मेरे पति को मारने लगे। लाठी और डंडा, जब मैंने उन्हें बचाना चाहा तो मुझे भी लाठी और डंडा से मारा। उसके बाद मेरी FIR रोनाही थाने में दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 24 तारीख की बात है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजरिम ऐसे ही घूम रहा है और हमें वार्निंग दे रहा है कि FIR अपनी वापस ले लो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। दबंगों के बुलंद हौसलों का गवाही देता ये मामला अयोध्या के थाना रोनाही इलाके में मौजूद ग्राम कोला का है, जहां नदीम अहमद का परिवार रहता है। नदीम की माने तो वो अपने घर में बैठे थे, अचानक यहिया ग्राम कोला के रहने वाले बिलाल, निहाल और तौसीफ अहमद अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस गए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने नदीम को लात, घूंसे और डंडों से पीटा। इसी बीच जब उनकी पत्नी नाजिया बीच बचाव कराने पहुंची तो दबंगों ने उनकी भी पिटाई कर दी। वो खुद को छोड़ देने की मिन्नती करते रहे, लेकिन दबंगों पर उनका जरा भी रहम नहीं आया और वो लोग बस उनकी पिटाई करती रहे। घर में लेटे हुए थे, लगभग 4 बजे 5 आदमी घुस के हमको मारा पीटा, मारने पीटने के बाद में जब हमारी बीवी हमको छोड़ाने लगी तो हमारी बीवी को भी मारा पीटा। और उसके बाद में वो बोले कि अगर अब कुछ बाहर निकलोगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कुछ नहीं था ये मामला, ये आपसी रंजिश वो अपने ले के जो है ज़बरदस्ती वाला ये मामला उन लोगों ने ये बनाया। नाली का पानी था वो हमारी ही ज़मीन पे था, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, तो मैंने कहा उसको खोल दो, उन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे। यही रंजिश को ले के जो है इसी में हमको मारा भी था, उसके बाद में हमारी बीवी को भी मारा। उसके बाद में अब ये मैंने 24 तारीख को जब FIR दर्ज की, उनके नाम मुकदमा हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि क्या कर लिया मेरा थाने वाले ने, क्या कर लिया किसी अधिकारी ने, मैं तो ऐसे टालूंगा, अगर तुम सुलह नहीं करोगे तो तुमको मैं जान से मारूंगा। ये कौन लोग हैं, क्या नाम है? ये बिलाल अहमद, निहाल अहमद, विशाल अहमद, मंटू, तौसीफ। दबंगों ने अपने लिहाज से नदीम को जान से मार दिया था, जिसके बाद नाजिया लहूलुहान हालत में अपने शौहर नदीम को लेकर जैसे तैसे CHC पहुंची और इलाज कराने के बाद सीधे थाने। थाने पहुंचकर नाजिया ने अपने साथ हुई सारी वारदात को पुलिस के सामने रखा, लेकिन दबंगों को जैसे ही पता चला कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो उन सबने मिलकर नाजिया और उनके पति नदीम को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिसके बाद नाजिया और नदीम सीधे SP ऑफिस पहुंचे और खुद को बचाने की गुहार लगाई। 24 अगस्त 2020 को थाना रोनाही अंतर्गत ग्राम यहिया कोला में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें नदीम और नाजिया के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की थी। और इस घटना की सूचना मिलते ही जो लोकल पुलिस है उसने तुरंत कार्रवाई की है और उनके तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसकी विवेचना हो रही है और अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP ने मामले पर संजीदगी दिखाते हुए पीड़ित को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है और साथ जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस वक्त नदीम का परिवार बहुत ही खौफजदा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अयोध्या से न्यूज टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।